सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी ढाबा को। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो पहुंच सके। जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का खूब स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ हेल्दी और टेस्टी, जो गर्मी के मौसम में हर घर में बनती हो, बच्चों से लेके बड़ों तक की सभी की पसंद रहती है। ये नाश्ता ऐसा हेल्दी नाश्ता है, आप खाइए और मस्त रहिए। तो चलिए मैं आपको सत्तू की रेसिपी बनाना बताती हूँ कि हमें सत्तू बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं सत्तू। और सत्तू तीन तरह से बनाया जाता है। जो सबसे आसान तरीका, परफेक्ट तरीका है कि आपको बनाने में सत्तू बहुत आसानी होगी, तो वो मैं तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, जो हमारा सत्तू बनाने का नाप रहेगा वो हमारा इस गिलास से, आप जो भी मेजरमेंट लें कटोरी गिलास से तो उस हिसाब से ले लीजिए। जैसे मैंने जो मेजरमेंट ले रही हूँ इस गिलास से ले रही हूँ, तो देखिए ये गिलास हमारा इतना खाली है ना, करीब पौन गिलास है हमारा ये है। तो इस हिसाब से मैंने एक गेहूं ले लिए थे और इस गेहूं को हमने करीब 2 से 3 घंटे पानी में गला दी है। अब हम इसको छन्नी से निकाल लेंगे, इसका पूरा पानी अलग कर देंगे। पूरा पानी अलग करने के बाद इसको हम जब निकल जाएंगे अच्छे तरह से गेहूं, तो इसे हम एक कपड़े में डालकर पंखा की हवा में 2 से 3 घंटे सुखा लेंगे, या फिर आधा घंटा अच्छी तेज धूप में डाल देंगे। तो ये हमारे अच्छे फरके फरके गेहूं हो जाएंगे। तो ये हमने जो गेहूं है ना गलाए थे, इसको हमने फैला दिए थे, अब ये पंखा की हवा में हमने 1 घंटा इसमें डाल दिए थे, तो अच्छे फरके फरके हो गए ये गेहूं हमारे। और हमने गैस में जो कढ़ाई है वो रख दी है, तो गैस की कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब हम ये गेहूं बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर सेक लेंगे। इसकी आंच हम बिल्कुल अब लो कर देंगे, क्योंकि है ना हमें अंदर से भी उतनी सिकाई करना है। अंदर से सिकाई होगी गेहूं की तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जो हम सत्तू बनाएंगे उसका कलर बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम हल्के हल्के हाथों से सेकते रहेंगे, हल्का सा कलर इसका चेंज होने लगा है। और इसकी आंच हमें बिल्कुल लो ही रखना है। ये सत्तू जब हमारी नानी दादी बनाती थी तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा रहता था। चने को गलाना, जौ को गलाना, फिर उसको सेकना, फिर उसके छिलके उतारना। आज की फास्ट लाइफ में इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता और सुविधा इतनी मिल गई है कि लोग इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। तो उसके ऑप्शन में जो मैं आपको वह सत्तू बनाना बता रही हूँ, ये बहुत सरल विधि है, बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है और इसका टेस्ट सेम वैसे ही लगता है जैसे हमारी नानी और दादी बनाती थी। देखिए अभी इसको हमें 10 मिनट सेकते हुए हो गए हैं और इसका कॉफी कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसके आगे क्या करना है, जैसे हमने ये बताया था ये दाल ये लेना है हमें, जो भरभूजा के यहाँ से भूंजी हुई दाल रहती चने की, और ये दुकानों में माल में पैकेटों में खुले में हर प्रकार से मिल जाती है, इससे हर कोई परिचित रहता है। तो ये हमने जैसे गेहूं लिए थे पौन गिलास, तो इसको हम इतना गिलास भर के, ये वाला गिलास जिससे हमने गेहूं नापे थे, तो इससे हम 3 गिलास लेंगे। तो 1 गिलास ये हो गए और 2 गिलास ये। अब हम एक गेहूं में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमारे गेहूं 80% सिके हैं। अब 20% हम और इस दाल के साथ इसको सेक लेंगे। इसको भी हम बिल्कुल लो आंच पर सेकेंगे। ये हमने दाल डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट और बिल्कुल मध्य आंच में सेका है। अब देखिए गेहूं का और दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल बंद कर देंगे। कुल टाइम हमारा इसको सेकने में 15 से 18 मिनट लगा बिल्कुल मध्य आंच में। और फिर यदि हम सुबह सेकते हैं और तो हमें शाम को इसको पीसना है, इतना हमें टाइम कम से कम लेना है। सत्तू में डालने के लिए हम 2 चम्मच जीरे सेक लेंगे, भर के 2 चम्मच ले लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी, दोस्तों सत्तू पीसने के पहले अब हम ये जीरे सेक के ठंडे कर लिए। अब हम इसी में
दाल और गेहूं में मिला देंगे। अब हमें ये देखना है कि सत्तू पीसना कैसा है। यदि हमारे पास सत्तू की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है दाल की और गेहूं की, तो हम इसे चक्की में बाहर पिसवा सकते हैं। यदि हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में करा है तो हम मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में दो बार में पीस जाता है, उसे गेहूं के जो आटे की छन्नी रहती है उससे छानो तो बिल्कुल दो बार में पीस जाता। तो इतना कम से कम हमारा जो तैयार है ये तो इतने बड़े जार में आधा आधा जार करेंगे हम तो दो बार में पीस जाता, पर अभी हाल फिलहाल मैं आपको छोटी चक्की से पीस कर बता रही हूँ। ये हम चक्की में डाल लेंगे। एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सत्तू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे देखते हैं खाना कैसे है। जब सत्तू हम इतनी मेहनत करके बनाए हैं तो इसे खाना भी तो जरूरी है ना। तो हम बनाते हैं कि हमें सत्तू कैसे खाना है। दूध के साथ सत्तू बहुत टेस्टी लगता है और इसमें हम शक्कर मिला लेंगे। ये अब हमारा दूध वाला सत्तू खाने के लिए तैयार है और ये बहुत पौष्टिक और हेल्दी रहता है। गर्मी में इसे खाने से बहुत ठंडक मिलती है। अब हम एक पानी वाला बता रहे हैं आपको कि पानी वाला कैसे बोलना है। इसमें हम बिल्कुल एकदम ठंडा पानी यूज करेंगे। ये देखिए सत्तू खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको हमने एकदम बिल्कुल ठंडे पानी में घोला था और इतना गाढ़ा रहना है खाने के लिए। और यदि और ज्यादा हमें ठंडा करना है तो एक दो हम बर्फ के टुकड़े भी इसमें डाल देंगे और तुरंत खाएंगे, बहुत मजा आएगा इसको। दोस्तों अब हमने इसमें दूध वाले में दूध से जो घोला है सत्तू उसमें भी हमने बर्फ के दो टुकड़े डाल दिए हैं, क्योंकि जितना ठंडा रहता है खाने में सत्तू उतना ही मजेदार लगता है। ए दोस्तों ये सत्तू बनकर तैयार हो गया है और मैंने दूध के द्वारा और पानी के द्वारा कैसे सत्तू को घोलना है और फिर उसके बाद कैसे खाना है ये भी बता दिया, कितना गाढ़ा रखना है ये भी बता दिया है। तो एक बार आप सत्तू की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और मैं नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों।